Good morning, guys. Hope you all are fine and doing well. Welcome है आप सबका हमारे YouTube channel Edumania पर, where learning begins. आज हम पढ़ेंगे chapter 13, that is organism and population. इसमें हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन एक दूसरे से कैसे इंट्रैक्ट करती है. पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती है. स्पीशीज़ इंट्रैक्शन सेम स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकती है. यहाँ हम डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंट्रैक्शन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम कुछ साइन से इंडिकेट करेंगे इंट्रैक्शंस को. जैसे कि पॉजिटिव साइन हमें क्या बताएगा कि जो एक कोई भी जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो बेनिफिट हो रही है, मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा है दूसरी स्पीशीज से जिसके साथ वो इंट्रैक्ट कर रही है. और नेगेटिव हमें क्या इंडिकेट करेगा कि जो भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो हार्म हो रही है, मतलब उसके पास जो कुछ भी है उसको दूसरी स्पीशीज़ को देना पड़ रहा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा, मतलब वो हार्म हो रही है. और जो ज़ीरो है वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो कोई भी जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है ना तो वो हार्म हो रही है ना उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो इंट्रैक्शन शो कर रही है. तो सबसे पहले जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ म्यूचुअलिज्म. आज हम इन दो इंट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म. फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है, स्पीशीज़ ए को भी और स्पीशीज़ बी को भी. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म. इसमें क्या होगा, दो स्पीशीज़ होंगी, स्पीशीज़ वन एंड स्पीशीज़ टू, या फिर ए बी भी लिख सकते हो आप, स्पीशीज़ वन या फिर स्पीशीज़ टू. स्पीशीज़ वन को भी बेनिफिट मिलेगा और स्पीशीज़ टू को भी बेनिफिट मिलेगा. इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, लाइकन. ठीक है, लाइकन. लाइकन किसकी एसोसिएशन से मिलके बना होता है, एल्गी एंड फंजाई. लाइकन जो है वो दो चीज़ों के एसोसिएशन से मिलके बना होता है, दैट इज एल्गी एंड फंजाई. एल्गी क्या है, एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, दैट मींस इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड बाय इट्सेल्फ, ये खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है. और ये क्या, फंजाई क्या होती है, सेप्रोफिटिक होती है, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती. दैट मींस जो एल्गी है वो क्या बनाएगी, फूड प्रोवाइड करेगी फंजाई को, और जो फंजाई है वो क्या प्रोवाइड करेगी, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो एल्गी है वो फूड बनाती है, तो एल्गी क्या करेगी, फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगी, और जो फंजाई है वो एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगी, मिनरल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और क्या होता है, ये जो एल्गी और फंजाई है ना, ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती. अगर एल्गी होगी तो उसको फंजाई की नीड होगी, अगर फंजाई होगी तो उसको एल्गी की नीड होगी. ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस. होप आपको ये क्लियर होगा. हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं माइकोराइजा का. माइकोराइजा भी ऐसे ही दो चीज़ों के एसोसिएशन से मिलके बना होते, जैसे लाइकन एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से बना था, ऐसे ही माइकोराइजा भी दो चीज़ों के एसोसिएशन से मिलके बनेगा, दैट इज फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट. जो फंजाई है वो रूट्स को क्या प्रोवाइड करेगी, मिनरल्स, एस्पेशली फॉस्फोरस और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी. ठीक है, और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, फंजाई को फूड एंड शेल्टर.
ठीक है, फंजाए को ये रहने की जगह देंगे और इसको फूड देंगे, और फंजाए क्या प्रोवाइड करेगी, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉयल में से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। इन रिलेशनशिप्स में क्या आता है कि एक मिनट, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे मैं रफ करके ऊपर लिख देती हूँ। प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जो बीज होती हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे मेनली पोलिनेशन का। जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर के पास जाती हैं, वहाँ से हनी बीज जो होती हैं, वास्प वगैरह हो गई, वहाँ वो जाती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्टर कलेक्ट कर, जब वो नेक्टर कलेक्ट कर रही होती है तो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, जो उस फ्लावर पे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाती हैं। वो वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, किसी दूसरे फ्लावर पे जाती हैं, जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, तो जो उनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब वहाँ से उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से वो पोलिनेशन में हेल्प करती है। स्पेशली कई बार क्या होता है कि कुछ बीज ऐसी होती हैं वो नेक्टर तो कलेक्ट कर लेती हैं लेकिन पोलिनेशन में हेल्प नहीं करती। नेक्टर ले लेंगी वो प्लांट से लेकिन वो पोलिनेशन में हेल्प नहीं करेंगी। ऐसे बीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, चीटर। ठीक है, वो फ्लावर के साथ चीट करती हैं, मतलब नेक्टर तो ले लेती हैं, अपना फूड ले लेती हैं लेकिन वो पोलिनेशन में हेल्प नहीं करती। तो ऐसी इंसेक्ट्स को, ऐसे बीज को हम क्या बोलेंगे, चीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी में आता है, सूडो कॉपुलेशन। सूडो कॉपुलेशन, इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक ऑर्किड का, ऑर्किड जिसका नाम है ऑफ्रिस। ठीक है, ये मेडिटेरियन रीजन में हमें मिलता है ये ऑर्किड ऑफ्रिस। ये क्या होता है, जो इसका फ्लावर होता है ना, जो इसका फ्लावर की शेप होती है, कलर होता है, साइज होता है, वो फीमेल बी से इंडिकेट करता है, फीमेल बी के सिमिलर होते हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं वो फीमेल बी की तरह होता है, तो मेल बी क्या सोचती है कि ये फीमेल बी है, लेकिन वो क्या होता है, ऑर्किड का फ्लावर होता है। तो मेल बी क्या करती है, इस फीमेल फ्लावर पे आती है, बैठती है और कोपुलेट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब मेल बी को क्या लगता है कि हाँ वो कोपुलेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो फीमेल फ्लावर होता है, सॉरी फीमेल, हाँ वो फीमेल, वो फ्लावर होता है लेकिन बी नहीं होती वो, लेकिन मेल को क्या लगता है कि हाँ वो फीमेल बी है, तो दैट इज़ कॉल्ड सूडो कॉपुलेशन, मतलब कॉपुलेशन नहीं हो रही लेकिन मेल बी को क्या लग रहा है कि हाँ कॉपुलेशन हो रही है। और इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, जब वो एक फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहाँ से क्या ले लेगा, पोलन ग्रेन्स ले लेगा, फिर किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, उसको भी वो ऐसा ही सोचेगा कि ये भी एक फीमेल बी है, तो वहाँ जाएगा, वो जो पोलन ग्रेन्स उसने यहाँ से लिए थे वहाँ जाके छोड़ देगा, तो दैट इज़ कॉल्ड सूडो, मतलब सूडो कॉपुलेशन, वो कॉपुलेट नहीं कर पाए लेकिन इनडायरेक्टली उसने पोलिनेशन में हेल्प कर दिया। फिर एक और एग्जांपल है, फाइकस का लेंगे हम, फाइकस और वास्क के बीच, वास्प के बीच में रिलेशनशिप, फाइकस वास्प का फिग। इसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या हम क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम। इस तरह की होती है वो, यहाँ पे फ्लावर्स वो प्रेजेंट होते हैं, फीमेल पोलन ग्रीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वास्प जो होती है, जब वो आती है यहाँ एंटर करेगी,
यहाँ वास्प क्या करती है, अपने एग ले करती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ उसने एग ले करे, जब वो बाहर जाएगी तो अपने साथ इन पोलन ग्रेन्स को लेके जाएगी, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, फिर वो जब किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वो पोलन ग्रेन्स वहां रिलीज कर देगी, इट मीन्स वो पोलिनेशन में हेल्प कर रही है। लेकिन उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है कि जो यहाँ जो इसमें सीड्स हैं, जो इस प्लांट के सीड हैं, इस फ्लावर के जो सीड हैं, उन सीड से इन डेवलपिंग लार्वे को नरिशमेंट मिल रहा है, मतलब इनकी डेवलपमेंट में ये सीड्स हेल्प कर रहे हैं। तो ये था हमारा म्यूचुअलिज्म। इसमें हमने चार एग्जांपल डिस्कस करे हैं, सबसे पहले था लाइकन का, सेकंड था माइकोराइजा का, थर्ड था प्लांट और एनिमल के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा जिसमें हमने पोलिनेशन के बारे में, और फिर फोर्थ था ये फाइकस एंड वास के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रैक्शन हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को जो फर्स्ट स्पीशीज होती है वो हार्म होती है एंड सेकंड को बेनिफिट होता है। इसमें हम पैरासिटिज्म है, इसमें दो स्पीशीज होती हैं, ठीक है, फर्स्ट स्पीशीज एंड सेकंड स्पीशीज। इसको हम, ये तो हार्म होगी और ये बेनिफिट होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा साइट, ठीक है। फर्स्ट स्पीशीज जो हार्म हो रही है उसको हम होस्ट बोलेंगे, और इस ये जो बेनिफिट हो रही है इसको हम पैरासाइट बोलेंगे। ये हार्म और बेनिफिट कैसे हो रही है, जो होस्ट है वो जो भी नरिशमेंट लेता है कहीं से भी, न्यूट्रिएंट्स, फूड, मिनरल्स, कहीं से भी लेता है, उनको पैरासाइट ले लेता है, छीन लेता है, होस्ट को कुछ नहीं मिलता, उसका तो लॉस हो रहा है ना, तो दैट इज हार्म्ड। पैरासाइट को मिल रहा है, उसको कहीं से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, डायरेक्ट उसको होस्ट से मिल रहा है, वो होस्ट के ऊपर रह रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है इसका, तो जो सेकंड स्पीशीज है वो बेनिफिट हो जाएगी, एक हार्म होगी और जो दूसरे वाली है वो बेनिफिट हो जाएगी, ठीक है। पैरासाइट कई पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कई सारे पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब होते हैं कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर होस्ट पे ही रहेंगे, मतलब ये अपने होस्ट बार बार चेंज नहीं करेंगे, या फिर ये नहीं है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, दैट इज एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट हैं वो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, ये जो पैरासाइट हैं वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और ये जो पैरासाइट है, एंडो मींस इनसाइड, लीव ये अंदर रहते हैं उसके होस्ट की बॉडी के। इसमें हम एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं, आउटसाइड, लीच हो गई, टिक्स हो गई एंड लाइस, डॉग्स के केस में देखा होगा या फिर इसको ह्यूमंस के केस में। ये जो एक्टोपैरासाइट होते हैं ये बॉडी के बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल लीच, टिक्स, लाइस। एंडोपैरासाइट के हम एग्जांपल देखें, टेपवर्म, ठीक है, लीवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट होता है ये,
ठीक है, इसको मलेरियल पैरासाइट होता है ये। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे टेपवॉर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल का मतलब है कि इनके कई होस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं, इनके ज़्यादातर दो होस्ट हैं। ठीक है, टेपवॉर्म इसका होस्ट है मैन, ये प्राइमरी होस्ट है, और सेकंड होस्ट है पिग। अब हम देखेंगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट क्या है। जो प्राइमरी होस्ट है उसमें ये जो पैरासाइट होता है अपनी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करता है, जो सेक्सुअल फेज होता है उसकी लाइफ साइकिल का वो कंप्लीट करता है। और सेकेंडरी में क्या करता है, वो सेकेंडरी में क्या करता है, अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, जो उसकी बाकी की जो स्टेजेस हैं, या फिर हम एसेक्सुअल लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, वो अपनी इसमें सेकेंडरी में तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एंड प्राइमरी में सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके भी दो होस्ट हैं, मैन और स्नेल। ठीक है, या फिर फिश भी हो सकती है। सिमिलर, मैन प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्लाज्मोडियम में भी जो प्राइमरी होता है वो मैन होता है एंड सेकेंडरी होता है वो एनोफ्लीज होता है। ठीक है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये इतना समझ आ गया कि जो पैरासाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और जो एंडोपैरासाइट होते हैं ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि ये होस्ट को हार्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये होस्ट को क्या हार्म कर रहे हैं, मतलब कैसे हार्म कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्या रिड्यूस करते हैं, सर्वाइवल। होस्ट का ये सर्वाइवल रिड्यूस कर देते हैं। सेकेंड, ग्रोथ एंड थर्ड, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये कैसे हार्म करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्या क्या रिड्यूस करते हैं, होस्ट का सर्वाइवल, होस्ट की ग्रोथ और होस्ट का रिप्रोडक्शन। और इन सब की वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन रिजल्ट क्या होगा इस सब का, डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को ये बिल्कुल कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि पैरासाइट में अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं कि भाई वो उसके होस्ट के साथ रह सके। सबसे पहले जो पैरासाइट है उसकी जो स्किन है उसमें क्या होगा, थिन क्यूटिकल होगा, थिन क्यूटिकल होगा। ये मेनली एंडोपैरासाइट्स के केस में होता है। एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बॉडी के अंदर रहना पड़ता है। कुछ स्टमक में भी रह रहे होंगे या फिर कुछ इंटेस्टाइन में भी रह रहे होंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, इनको हार्म पहुंचा देंगे अगर थिन क्यूटिकल नहीं होगा। तो थिन क्यूटिकल क्या करता है, एंजाइम्स से, बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं उनसे इन पैरासाइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड सेंस ऑर्गन्स। इन पैरासाइट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड ही नहीं होती, क्योंकि इनको डायरेक्ट क्या है, मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो इनको नीड ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो मतलब इनको तो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं करना, इनको तो डाइजेस्टेड फूड
मिल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। और सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते इनमें, क्योंकि ये अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, इनको कुछ सेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जिस काम के लिए ये होस्ट पे रहते हैं वो काम इनका हो ही रहा है, बाकी चीज़ों के लिए इनको कोई नीड ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन भी नहीं होते इनमें, किसी स्टिमुलस की रिक्वायर्ड नहीं होती, ना इनको कुछ देखना पड़ता, सिर्फ ये अपने फीडिंग के लिए पैरासाइट्स पे होते हैं और वो उनको मिल ही जाता है, न्यूट्रिशन नरिशमेंट सब कुछ मिल जाता है इनको होस्ट की तरफ से। ठीक है, फिर है रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है इनमें, जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो इनमें हाई होता है। ठीक है, और इसमें इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रोवाइड प्रेजेंट होते हैं। हुक्स और सकर्स का क्या काम होता है, ये ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं। लीच हो गई, टिक्स हो गई, लाइस हो गई, ये सारे ब्लड को सक करते हैं। तो जो सकर्स हैं वो असेसरी ऑर्गन्स कह लो, इनमें प्रेजेंट होते हैं जो सकिंग, ब्लड की सकिंग में हेल्प करते हैं, कि ताकि ये जो होस्ट है उससे ब्लड सक कर सके। प्लांट्स में भी ये रिलेशनशिप देखा गया है होस्ट एंड पैरासाइट का। फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा में ये प्रेजेंट होता है। कस्क्यूटा भी एक स्मॉल प्लांट है और ये हेज प्लांट पे रहता है। ठीक है, ये हेज प्लांट से क्या लेगा, फूड लेगा, वाटर लेगा। ठीक है, हेज प्लांट का जो जाइलम होता है उससे ये वाटर ले लेगा और फिलोम जो होता है उससे ये फूड ले लेगा। ठीक है, और जब फूड इसको मिल रहा है, वाटर इसको मिल रहा है, तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये धीरे धीरे क्या करता है, मतलब अगर हम बहुत साल पहले की बात करें, मतलब अगर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है इनमें, जिसकी वजह से इसने क्या करा, क्लोरोफिल को ख़त्म कर लिया, मतलब लॉस हो गया इसमें से क्लोरोफिल, लीव्स ही ख़त्म हो गई इसकी, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है फोटोसिंथेसिस वगैरह की, क्योंकि इसको तो डायरेक्ट हेज प्लांट से मिल रहा है ना, फूड भी इसको मिल रहा है, वाटर भी इसको मिल रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ इसको मिल रही है, तो इसको लीव्स की नीड ही नहीं थी, तो क्लोरोफिल एंड लीव्स इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गई, लॉस्ट हो गई इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, फिर आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक और बर्ड्स का केस हम डिस्कस करते हैं जिसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं, उस प्रोसेस को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में, मान लो ये एक बर्ड है और ये एक बर्ड है, ठीक है, इसके पास नेस्ट है। ठीक है, ये जो बर्ड है अपने एग यहाँ ले करेगा, जो बर्ड ए है वो अपने एग से इस बर्ड के नेस्ट में ले कर देगा। ठीक है, इसके एग्स में क्या होगा, मतलब जो इसके एग्स हैं इसके एग से बिल्कुल सिमिलर होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, कलर में, शेप में, साइज में ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे इसके एग्स इससे। तो क्या ये बी क्या करेगा, ये सोचेगा कि ये मेरे एग्स हैं, तो वो उनको इनक्यूबेट करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा इनकी डेवलपमेंट में, इन एग्स की डेवलपमेंट में, लार्वा एंड जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनकी डेवलपमेंट में ये भी हेल्प करेगा। लेकिन इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, इनको हार्म हो रहा है कि इसको और ज़्यादा एग्स इनक्यूबेट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। ये किसके केस में देखा गया, कॉयल एंड क्रो के केस में। ठीक है, जो कॉयल होती है वो अपने एग क्रो के नेस्ट में लेकर देती है और जो क्रो है वो सोचता है ये मेरे एग्स हैं एंड वो उनको इनक्यूबेट करता है। ठीक है, ये आज हमने बात की म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म की। म्यूचुअलिज्म में जो दोनों स्पीशीज़ हैं वो बेनिफिटेड होती है, और पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज़ हार्म होगी एंड दूसरी स्पीशीज़
बेनिफिटेड होगी, ठीक है, जो बेनिफिटेड होगी दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट पैरासिटिज्म में, और जो हार्म होगी दैट इज़ कॉल्ड होस्ट, ठीक है। आज हमने ये दोनों डिस्कस करे एंड हेयर इज़ आवर एंडिंग। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। होप करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।